आप सबका स्वाद भरी रेसिपीज में स्वागत है। और आज हम बनाएंगे ऑथेंटिक घावने रेसिपी और कोकोनट चटनी, जो हम घावने के साथ खाएंगे। तो घावने बनाने के लिए हमें चाहिए 2 कटोरी भरकर बड़ी वाली चावल और 2 चम्मच मेथी के दाने। इस चावल को हम पानी से भिगाएंगे। मैंने ये पानी लिया है और उसमें हम चावल को डाल देंगे। अब इसमें हम जो हमने 2 चम्मच मेथी के दाने लिए हैं वो भी डाल देंगे। और इसको ढककर हम रात भर भिगोने के लिए रखेंगे। ये देखो, अभी सुबह हो गई है तो मैंने वो निकाला और देखा कि वो अच्छी तरह से फूक गया है। हम अब इस चावल को धो के ले लेंगे और मिक्सर में पीस लेंगे। ये देखिए, मैंने बड़ा वाला मिक्सी का जार लिया है और इसमें हम पूरा चावल डाल देंगे। मैंने अब पूरा चावल और मेथी के दाने मिक्सर में डालकर रख दिए। ये देखिए, अब हम इसमें डालेंगे 1 गिलास भरकर पानी। पानी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये थोड़ा पानी कम हुआ था इसीलिए मैंने और पानी डाल दिया उसमें। आप चावल के ऊपर पानी डाल दीजिए, इससे आपकी पेस्ट अच्छी और पतली बनेगी। तो मैं अब मिक्सर लगा रहा हूँ और अब देखिए, मैंने ये पेस्ट बनाकर ले लिया है। इसकी कंसिस्टेंसी आप देखिएगा, मैं दिखाऊंगा। ये देखिए, मैंने बॉल ले लिया और उसमें हम निकाल कर ले लेंगे। इसकी कंसिस्टेंसी इतनी रहनी चाहिए, तब आपके खाने मस्त बनेंगे। ये देखिए, बैटर ऐसा बनना चाहिए खाने बनाने के लिए।
अब हम इसमें एक चम्मच भरकर नमक डालेंगे। और इसी के साथ हम डालेंगे बेकिंग सोडा एक चुटकी भरकर और इसको मिक्स करेंगे। मैंने अभी एक पैन लिया है, गरम होने के लिए मैंने गैस पर रखा है। पैन गरम हो गया तो अब हम उस पे ऑयल ग्रीस करेंगे। अब जो हमने बैटर बनाया था वो हम तवे पर फैला लेंगे। कुछ इस तरह से हम बैटर को पूरे तवे पे फैला लेंगे। जो जगह खाली दिख रही है वो भी हम पूरी तरह से कवर करने का ट्राई करेंगे और पूरा बैटर उसमें डाल देंगे। ये देखिए मैंने वो भी जगह कवर कर दी है अभी, तो हम इसे आप पकने के लिए रखेंगे। अब हम इस तवे को एक प्लेट से कवर करेंगे ताकि वो अंदर से पके। ये देखिए हमारा घावना अच्छी तरह से पक गया है। अब हम उसकी साइड्स को छोड़ाने की कोशिश करेंगे ताकि जब हम उसको पलटे तब वो टूटे ना। अब हम उसको दूसरी तरफ से पलटेंगे और दूसरी साइड पकने के लिए रखेंगे। ये देखिए हमारा घावना बनकर रेडी। अब हम घावने के साथ खाने के लिए चटनी बनाएंगे, इसे कोकोनट चटनी बोलते हैं। चटनी बनाने के लिए मैंने हाफ कटोरा भरकर कसा हुआ नारियल लिया है जो कि फ्रेश कोकोनट है, और मैंने लिया है अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, ये है टर्मेंट मतलब उसको हम बोलते हैं इमली, बाद में लिया है नमक स्वाद के अनुसार आप डालोगे उसमें, और हरा धनिया। ये सब अब इंग्रेडिएंट्स हम मिक्सी के जार में डालेंगे। हमने जो हरी मिर्च ली थी उसको हम तोड़कर अंदर डालेंगे ताकि वो अच्छे से पीसे। अब हम डालेंगे लहसुन। अब जाएगा अदरक। अब डालेंगे इमली। हरा धनिया। और स्वाद के अनुसार हम उसमें नमक डालेंगे। अब हम उसमें ऐड करेंगे पानी। पानी आप अपने हिसाब से डालो, अगर आपको पतली चाहिए तो ज़्यादा पानी डालो। अब हम इसकी फाइन पेस्ट बनाकर ले लेंगे।
ये देखो मैंने अब इसकी फाइन पेस्ट बनाकर ले ली है और ये घावने के साथ सर्व करने के लिए रेडी है। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं। अब हम इसे घावने के साथ सर्व करेंगे। Subscribe to our YouTube channel, hit the bell icon, like, comment and share.